तरह के पुल ज़्यादा बन रहे हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हैं, तो ये बनाने आसान है, चलाने आसान है, लगाने आसान है और आपकी जेब खर्च पे भी कम असर पड़ता है जब आप मेंटेन होते हैं। ओके, इसके अंदर में जो कार्टेज फिल्टर लगाता है इसी की बदौलत आपको 0% वाटर वेस्टेज है। सेकेंडली हमने क्या किया है कि पहले फिल्टर दिया बाद में पंप लगाया, सो दैट की पंप की जो भी वियर एंड टियर है वो भी आपकी खत्म हो जा रही है। यहाँ पे अगर आप पंप देखें तो पंप के अंदर बिल्कुल ड्राई है, ना कुछ है, ना पत्ते आएंगे, ना कुछ भी क्लोगिंग मटेरियल नहीं आएगा। तो ये जो होती है, ये जो आप पानी देख रहे हो करीब 1.5-2 साल पुराना है, यही पानी रहता है, ना निकालते हैं ना डालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी क्लोरीनिंग कंजम्पशन है या रनिंग कॉस्ट है वो कमती हो जाती है। ये इन्होंने छोटा सा फार्म हाउस बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड पूल। इसका हमारा पर्पज होता है एनी साइज एनी शेप एनी वेयर पूल। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि कोस्टिंग क्या होने वाली है छोटा पूल लगाने के। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपके लिए कोस्टिंग नेग्लिजिबल है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी बड़ी कॉस्टिंग नहीं है। हमारा मिशन इसी पिच का, हमारी गारंटी है 15 साल की, हम गारंटी देते हैं। ओके, 25 साल हमको पूल बनाते हो गए, पहले हम कंक्रीट के पूल बनाते थे, हजारों पूल हमने ये दिए हैं और आज तक भी कोई कहीं शिकायत। स्टोरेज यही होती है, फिक्सिंग यही होती है और जो आफ्टर सेल है वो भी हम ही देते हैं। तो इसीलिए आप देखिए 25 साल से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। ये पूरे पूल की जो हाइट है ये करीब करीब 25 फुट है और ये जो नेक्स्ट पूल आप देख रहे हैं ये हमारा 24 फुट का है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमारी कम है, हम बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रख सकते क्योंकि 11-12 फुट से ऊपर में ट्रांसपोर्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आप लोगों को बिगेस्ट पूल मैन्युफैक्चरर के साथ में मिलवाने वाला हूं और ये बहुत ही बेहतरीन पूल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहां पर आप लोग बहुत ही बड़े बड़े पूल्स भी देख पाएंगे, चाहे आप लोग फार्म हाउसेस के लिए पूल चाहते हैं, चाहे हाउस के लिए पूल चाहते हैं, एवरीथिंग यहाँ पर मिलने वाली। तो सर से मिलवाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी वो बताते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ। तो सर, किस तरीके के पूल आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? तो आप जो पीछे देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेडीमेड पूल जी। तो रेडीमेड पूल में भी एक खास बात यह है कि ये आपको डिज़ाइनर पूल दिख रहा है जी। नॉर्मली आप देखेंगे जो सॉलिड कलर पूल होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पूल है, तो इसको हम सॉलिड स्टैंडर्ड पूल बोलते हैं, इसको हम डिज़ाइनर पूल बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिज़ाइनर में फ़र्क ये होता है कि डिज़ाइनर हम डिज़ाइन दे सकते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वाइट ब्लू और जो भी कलर होते हैं। तो हर तरीके के पूल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप लोग पूल से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो भी इनके साथ में जुड़ सकते हैं। एवरीथिंग जानकारी मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, पूरी कवर करवाने वाला हूँ, किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अरुण सर, हमें अपनी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेकर आज मैं, जहाँ पर छोटे बड़े हर तरीके के पूल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सर, कहाँ से शुरू करने वाले हैं? देखो, मैं सबसे छोटे पूल से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा सबसे छोटा पूल है, ये करीब 5 फीट बाई 7 फीट बाई 2.5 फीट है जी। इसमें ये बेंच लगी हुई है जिसपे आप बैठ सकते हैं। ये जो पूल हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आते हैं, एलईडी लाइट आती है, तो सबसे छोटा पूल यही है। इसको आपने बालकनी में, छत के ऊपर या घर के अंदर भी रख सकते हैं क्योंकि इसका जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, 6 फुट के आसपास है, जो 6 फुट के दरवाजे में आराम से आ सकता है। और इस तरीके से हम लोग ये पूल बना सकते हैं। अगर इसमें किसी को ग्लास विंडो लगानी है तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर में ग्लास विंडो की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे छोटे पूल। अब हम बात करते हैं स्पा की। दूसरे होते हैं हमारे प्रोडक्ट जो हॉट टब और स्पा बोलते हैं, तो इसमें भी आपके जेट्स लगे होते हैं, जकूजीज होते हैं, एयर बबलर्स होते हैं, बाकी चीज़ें लगी होती हैं। अब आते हैं हम अपने बड़े पूल के ऊपर। तो पैनल पूल आपने देखे थे, ये सारे उसके पैनल्स हैं जो वॉल खड़े होते हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है सारे की सारी, और सारे हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे जितने आपको ये दिख रहे हैं सारे पैनल बने हुए हैं। इसमें हमारे 3-3.5 फुट से लेके, जैसे 3.5 फुट हो गया, 4 फुट हो गया, 4.5 हो गया, 6 फुट की हाइट तक के हम पैनल बनाते हैं। ये पीछे की सपोर्टिंग सिस्टम होती है। तो जो हमने भी आपको पूल लाइव दिखाया था जिसको हम लाइनर पूल बोलते हैं, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। अब हम आते हैं आपके बड़े पूल के साथ में। तो पूल के जो साइजेस होते हैं सर, हर तरीके के साइज आप कस्टमाइज कर देते हैं? हमारे पास कस्टमाइज नहीं होते, दो तरह के पूल हैं, प्री फैब्रिकेटेड पूल जिसमें जैसे दिखाया था एनी साइज एनी वेयर एनी टाइप पूल, दूसरे होते हैं फिक्स शेप फिक्स साइज फिक्स डिजाइन। जैसे ये पूल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रोमन पूल, दिस इज 15x7x4.5। इसके ऊपर में जो रखा है वो भी ऑस्टर मॉडल है जिसमें कि 2 स्पा और जकूजीज लगे हुए हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो ये करीब 18 फुट का है, नीचे इसके 25 फुट का है, पीछे में आपके 24 फुट का है, उसके नीचे में बीन शेप 24x12 का है। अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे डिज़ाइनर पूल हैं कुछ, और कुछ अपने स्टैंडर्ड पूल हैं। स्टैंडर्ड पूल जो होते हैं वो आपको सिंपल कलर में बनते हैं, नॉर्मली इसमें ब्लू कलर के शेड्स होते हैं और कुछ के अंदर हम लोग वाइट कलर दे देते हैं। जो डिज़ाइनर पूल हैं उसके अंदर में आपको ये डिज़ाइन मिलेगा। तो ये आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसमें पूरा डिज़ाइन मिलता है। जो स्टेप्स होते हैं इनबिल्ट होते हैं। ये पूरे पूल की जो हाइट है ये करीब करीब 25 फुट है और ये जो नेक्स्ट पूल आप देख रहे हैं ये हमारा 24 फुट का है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमारी कम है, हम बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रख सकते क्योंकि 11-12 फुट से ऊपर में ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल होती है।
ये जो आप पीछे देख रहे हैं पूल, ये करीब करीब 15 फुट बाई 10 फुट बाई 4 फुट का है, तो ये भी दोनों उसी तरह के पुल हैं। वो जो आप पूल देख रहे हैं वो 31 फुट लंबा है और 9.5 फिट और 4 फिट चौड़ा है। एक और हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हमारे सबसे बड़े पूल रखे हैं, तो 40 फुट लंबा हमारे पास पूल है, 12 फुट चौड़ा है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा पूल है। और ये आप, मैं आप जो दिखा रहा हूँ, ये लगभग 40-50 मॉडल हैं अपने पास में जो इस तरह के फाइबर ग्लास के पूल होते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ पूल हैं, तो ये पूरी की पूरी जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर चल रही है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर कंप्लीट कटिंग वगैरह करके तैयार किए जा रहे हैं। आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम वगैरह लगते हैं जी, और बाकी चीज़ें लगती हैं। ये और छोटे पूल हैं, जैसे अपने 9 फिट बाई 6 फिट बाई 4 फिट का है, ये आप देखेंगे तो ये बीन शेप पूल है, इसकी चौड़ाई और लंबाई है करीब 24 फुट बाई 11 फुट। जो पीछे आप देख रहे हैं ये हमारा फैमिली पूल है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, इसका भी 21 बाई 11 बाई 5। ये हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम, बड़ा फिल्टर बड़े पूल के लिए, छोटा फिल्टर छोटे पूल के लिए, और बड़ा फिल्टर जो कमर्शियल अपने फिल्टर देखा था अभी वो यही वाला फिल्टर है जो वहाँ पे आपके साइड पे लग जाता है। ओके, इसके अलावा जो और सारा कुछ हमारा यहीं बनता है, मैन्युफैक्चरिंग सारी यहीं होती है, और ये हमारे पूल लाइनर्स होते हैं। तो जो आपने अभी पूल देखा था वो ये वाले डिज़ाइन का था जिसको हम ग्रेनाइट मॉडल बोलते हैं। उसके अलावा प्लेन ब्लू मिल जाएगा, स्पार्कल मिल जाएगा, आपके ग्लास मोज़ेक मिल जाएगा। यानी कि सर जो आप ग्रेनाइट वाला पूल दिखा रहे थे उसके अंदर ये वाली ही लाइनिंग, यही वाली लाइनिंग है, लेकिन मुझे दूर से देखने में ऐसे लग रहा था कि असली की ग्रेनाइट लगी हुई है। हाँ, असली की ग्रेनाइट लगती है। तो बेसिकली वो पर्पज यही होता है कि वो दिखे आपका कॉन्क्रीट जैसा, बट वो प्रीफैब में। प्रीफैब ये हमारे हीट पंप्स हो गए जो पानी को गर्म और ठंडा कर लेते हैं। ओके, तो अगर सर्दियों में चाहिए तो गर्म कर लें और गर्मियों में आपका ठंडा कर लें। तो ये सारे हमारे पास आइटम हैं जो इस प्रोडक्ट में बनते हैं। सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यही होती है, स्टोरेज यही होती है, फिक्सिंग यही होती है, और जो आफ्टर सेल है वो भी हम ही देते हैं। तो इसीलिए आप देखिए 25 साल से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, और 25 साल से हमारे जो कस्टमर की रिटेंशन रेट है बहुत अच्छी है, और वही कस्टमर हमारे पास रिपीटेड आते हैं। ये आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो मल्टीपल पार्ट्स में बनते हैं, ये अलग अलग